सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कावासाकी निंजा 300 क्या बेस्ट 300 सीसी क्लास बाइक है एंड इसके अंदर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इसको एक बेस्ट 300 सीसी क्लास बाइक बना देती है। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। 3,93,000 रुपीज़ इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है एंड 3,18,000 रुपीज़ इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है। पहले मैं आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ इस बाइक का प्रॉपर। काफ़ी बढ़िया एक फेयर्ड बाइक है एंड डेफिनेटली आप इस बाइक को हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ट्रैक पे ले जा सकते हो, आप इसको टूरिंग कर सकते हो। लिटरली आप इस फेयर्ड बाइक से बहुत ही लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं, लॉन्ग टूरिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इतनी कंफर्टेबल है। एंड थर्ड, इस बाइक को आप डेली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डेली वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑफिस जाना या आपको कॉलेज वगैरह जाना तो आप इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं आराम से। एंड दिस इज़ द निंजा 300। काफ़ी अच्छा फ्रंट से लुक आता है, यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आता है। मैं LED एक्सपेक्ट कर रहा था बट हेलोजन कोई बात नहीं आ गया, तो लेकिन काफ़ी बढ़िया लुक आता है। यहाँ पर साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। यहाँ पर बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं बोथ एट द फ्रंट एंड द रियर, कुछ इस तरीके का लुक आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं एक बार दिखा देता हूँ, BS4 वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें कोई चेंज नहीं है इतना। एंड जो बटन्स हैं वो तो पता ही आपको कितने प्रीमियम। एंड दिस ओवरऑल द निंजा 300 इज़ अ वेरी प्रीमियम बाइक। एंड रियर टेल लाइट है कुछ इस तरीके की, यहाँ पर भी हमें बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं रियर में। एंड ये दूसरा कलर है, दिस इज़ द ब्लैक कलर, ब्लैक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। एंड यहाँ पर लिखा है रियर में 300 बिकॉज दिस इज द कावासाकी निंजा 300। काफ़ी डिसेंट लुक आता है इस बाइक का प्रॉपर अगर बात की जाए। एंड आप देख सकते हैं दोनों कलर्स काफ़ी बढ़िया है। ये बाइक क्यों इतनी ज़्यादा अच्छी है, क्यों ये बेस्ट 300 सीसी क्लास बाइक है, वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज ये बहुत कंफर्टेबल है। इसकी जो हैंडल बार्स की पोजीशन है वो इतनी अच्छी तरीके से है कि आप इस बाइक को बहुत ही कंफर्टेबली बैठते हैं। आपको बिल्कुल आगे झुक के बैठना नहीं पड़ता है। इसमें जो आपकी सिटिंग पोजीशन रहती है काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। RC 390 जैसी इसके अंदर सिटिंग पोजीशन नहीं रहती है आपकी, जैसे कि उसके अंदर बहुत ही अनकंफर्टेबल रहती है, आपको बहुत आगे झुक के चलानी पड़ती है बाइक, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। मैंने इस बाइक को बहुत अच्छा राइड कर रखा है, मैंने बहुत लॉन्ग राइड्स कर रखी है BS4 वाले वेरियंट में। वैसे इतना कोई चेंज है नहीं BS4 और BS6 वाले में, बस BS6 वाले में है कि BS6 इंजन इज कंप्लाइंट, बाकी कोई भी ऐसा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा BS4 और BS6 के अंदर। लुक सेम है, बस ग्राफिक्स का मेन चेंज है और इंजन जो है वो BS6 कंप्लाइंट है इस वाली बाइक के अंदर। एंड मैंने बहुत लॉन्ग राइड्स की हैं, ब्रेकिंग इज़ रियली नाइस। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि बाइक बिल्कुल भी हीट नहीं करती है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है। एंड द माइलेज ऑफ दिस बाइक इज़ रियली फिनोमिनल, 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास इस बाइक का आराम से माइलेज देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आता है पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन 296 सीसी का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो प्रॉपर एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे, तो ये अच्छा है। यहाँ पर रियर में एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा लेते हैं इस बाइक के अंदर, बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। प्लीज़ आप इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट बिल्कुल मत लगाना यार, जो इसका रियल एग्जॉस्ट ना उसी में ये बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अच्छा माइलेज देती है। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में थोड़ी ख़राब आवाज़ आती है इस बाइक के अंदर, सीरियसली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, आपका कुछ और रह सकता है। एंड मुझे पर्सनली काफ़ी कंफर्टेबल बाइक लगती है ये। 3,93,000 रुपीज़ थोड़ा सा महंगी है, बट लिटरली इतने कंफर्ट के लिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिकल बाइक के लिए मैं डेफिनेटली देना पसंद करूँगा इतने रुपये। 3,93,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है। दो कलर्स में आती है, दोनों कलर्स बहुत अच्छे हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट ये वाला कलर है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कावासाकी रेसिंग टीम विच मीन्स KRT। जो ओवरऑल इसका कलर है ना यार, ZX10R जैसा लगभग कलर है। एंड फ्रंट में आपको जो रेड एलिमेंट देखने को मिलता है, उससे जो फ्रंट लुक आता है इस बाइक का वो भी काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छा आता है। एंड मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक पे हमेशा से, जब भी मैंने ये बाइक चलाई है मुझे इतना कोई इस बाइक से कोई भी शिकायत नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ रियली टॉप नॉच, ब्रेकिंग इज़ गुड, डुअल चैनल ABS आता है, बट ब्रेकिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी और बेटर हो सकती है इस बाइक की, मुझे ऐसा लगता है। अगर फ्रंट ब्रेक डायमीटर थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए और थोड़ा अच्छा आपको कैलिपर्स दिए जाए आगे फ्रंट में, तो इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर भी इसकी ब्रेकिंग जो है डिसेंट है, लगभग 170 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी स्पीड आपको मिल सकती है टॉप स्पीड, अगर आप इस बाइक में बढ़िया सा टक इन होके ट्रैक पे जब भी आप रेस करने जाएं आप वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। इंडियन रोड्स पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करिए, एंड बढ़िया सा आपको इसको ट्रैक पे भी जा सकते हैं, जैसे कि BIC हो गया या MMRT हो गया, वहाँ पर आप जाके इसकी टॉप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, लगभग 170 के आसपास आती है। एंड अगर आप टूरिंग करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आपको अच्छा टूरिंग वाइजर लगा लीजिएगा, थोड़ा टॉल टूरिंग वाइजर आता है, उसकी वजह से बाइक काफ़ी ज़्यादा और कम्फर्टेबल हो जाती है। यहाँ पर आप क्रैश गार्ड ज़रूर लगवा लीजिएगा, इंजन गार्ड जो होता है उस वजह से ये बाइक की प्रोटेक्शन हो जाती है। एंड
थोड़ा यार अच्छी बाइक है ना, फेयर्ड बाइक है तो गिरेगी तो यार अच्छा लगेगा नहीं, तो उससे क्या है क्रैश गार्ड आप लगाते हो यहाँ पर, जब बाइक जब भी गिरती है तो क्रैश गार्ड पे गिरती है, तो बाइक के जो पैनल्स होते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी स्क्रैचेस नहीं आते। तो ये एक एक्सेसरी है जो आप ज़रूर लगाइएगा, काफ़ी सारी एक्सेसरी आती है वैसे इस बाइक के अंदर यार, एंड दिस इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट 300cc क्लास बाइक। आप किसी भी बाइक से कंपेयर करिए इसको, डेफिनेटली एक ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक, एक ज़्यादा वर्सेटाइल बाइक है। हीटिंग प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है जो कि आपको RC 390 के अंदर देखने को मिलती है। ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है RC 390 से, R3 से, RR 310 से, मुझे पर्सनली ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, एंड ये बाइक ज़्यादा वर्सेटाइल है। एंड इस बाइक की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बाइक को जब भी आप रीसेल करने जाओगे तो आपको बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है निंजा 300 की। ये बहुत ही एक बढ़िया बात है, बहुत ही एक अच्छी बात है जो कि काफ़ी कम बाइक्स में अंदर हमें देखने को मिलती है। एंड डेफिनेटली ओवरऑल अगर बात की बाइक के बारे में बात की जाए तो मुझे पर्सनली लगता है दिस इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट 300cc क्लास बाइक इन इंडियन मार्केट। अगर फेयर्ड बाइक के बारे में बात करी जाए, देखो नेकेड बाइक में तो ड्यूक 390 से अच्छा कुछ नहीं है, अगर फेयर्ड बाइक के बारे में बात करी जाए तो मुझे पर्सनली निंजा 300 ज़्यादा बेटर लगता है। इस बाइक को आप आराम से फाइनेंस भी करा सकते हैं, लगभग 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करके, तो आपको फाइनेंस में भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी सीट हाइट बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच से ऊपर है तो आप आराम से इस बाइक को कंफर्टेबली चला सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बढ़िया सा आप मतलब पैर आपके पूरे ज़मीन तक पहुँचेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई आप टिपटो कर रहे हो या ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार कौन से टायर आते हैं इस बाइक के अंदर, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो MRF के टायर आते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार निंजा 300 में कौन से टायर आते हैं, तो MRF के टायर आते हैं। बाहर से अगर आप कभी भी चेंज कराओ आगे जाके तो बहुत सारी कंपनीज़ के टायर आते हैं, बट जो बेस्ट आते हैं मुझे लगता है कंपनी टायर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेस्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन कंपनी टायर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पर रियर में आपको काफ़ी बढ़िया जो है अलॉय व्हील मिल जाएंगे। अलॉय व्हील का जो लुक है ना वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम लुक आता है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पर वेब डिज़ाइन जैसा कुछ लुक आता है ओवरऑल। एंड डुअल चैनल ABS है, ब्रेकिंग इज डिसेंट, थोड़ी और अच्छी हो सकती है अगर कंपनी थोड़ा सा और काम करे ब्रेक्स पे तो डेफिनेटली, बट मेरे हिसाब से 300cc क्लास में अगर आप जा रहे हैं तो आप निंजा 300 को ज़रूर कंसिडर करिए। अगर आप फेयर्ड बाइक में जा रहे हैं और आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए, और स्पेशली अगर आपको टूरिंग के लिए बाइक चाहिए, ये बाइक लिटरली टूरिंग पे आप आराम से ले सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आप डेफिनेटली इस बाइक को चलाइए, मतलब छोटा मोटा मत चलाओ या लंबा चलाओ, मतलब 100-200-300 किलोमीटर कम से कम चलाओ इस बाइक को एट अ स्ट्रेच, मतलब एक बार में 200 किलोमीटर के लिए निकल जाओ इस बाइक में, तब आपको पता लगेगा कि ये बाइक कितनी कंफर्टेबल है। एंड डेफिनेटली अगर आप थोड़ा और लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जेल सीट ज़रूर लगा लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा यार हार्ड हो जाती है सीट, तो इसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड करते हैं तो आप जेल सीट ज़रूर लगाएगा इस बाइक के अंदर। एंड दिस इज़ द कावासाकी निंजा 300, मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कावासाकी, and this is really one of the best 300cc class bike in Indian market। आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, नीचे प्यारा सा लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन, उसको थोड़ा मोड़ा फोड़ो जो करने का जब जाना चाहिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, throttle_98 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड राइट सेफ, बाय बाय।